नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे फ्रॉम द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। मैसेजेस पढ़ने के पहले, जिनका जन्मदिन 10th of June को है, मैं उनको बहुत 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 हैप्पी बर्थडे कहना चाहती हूँ। आई डू होप एंड प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स एंड विशेज कम ट्रू। चलिए देखते हैं 10th of June हम सब के लिए कैसा होगा। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर द जनरल कलेक्टिव फॉर 10th of June 2020। थैंक यू। All right, let's do this. ओवरऑल एनर्जी 10th of June की जो है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी दफ़ा ये हमारे रीडिंग्स में आ रहा है, हम डर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए। आपके सामने कल कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा और आप अनश्योर हैं कि आगे कैसे जाना है। ये डिसीजन जो है शायद आपके दिल के बहुत करीब है, इसीलिए आप डर रहे हैं कि आगे कैसे जाना है। इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इसीलिए डरते हैं कि क्या राह चूज़ करनी है। आपके सामने दो चॉइसेस हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चॉइस आपको लेना चाहिए, तो शायद कल का दिन थोड़ा सा आपके लिए दुविधा में हो सकता है। लव में जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे। इसका ये मतलब है कि प्यार में जो सही था वो आपकी तरफ आपको मिलेगा। पास्ट में अगर आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव था, आपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक की थी, अगर सेपरेशन चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा। अगर रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। ये कार्ड जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। तो जैसे आपने पास्ट में बिहेव किया है उसी के हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगी। पॉजिटिव किया है, अच्छा किया तो किया है तो अच्छा मिलेगा। अगर चीज़ें आपकी तरफ से ठीक नहीं थी तो उसका रिज़ल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। मे बी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे या डिवोर्स सेपरेशन के पेपर्स साइन होंगे या मैरिज के पेपर्स भी साइन हो सकते हैं। बिजनेस करियर और फाइनेंस में फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सॉरी फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ईगो क्लैशेस होंगे वर्क प्लेस में, चिड़चिड़ होगी, कोई शायद आपको झूठ बोलेगा, आपके बारे में शायद झूठ बोलेगा। ऐसा कोई एनर्जी है कि मे बी प्रोजेक्ट है, आपने सब काम किया है लेकिन वो क्रेडिट लेके आपका क्रेडिट लेके वो चले जाते हैं। अच्छी एनर्जी नहीं है तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपके ऑफिस में कोई है जो आपको झगड़े के लिए उत्साह रहा है तो उनको इग्नोर करें, झगड़े में चिड़चिड़ में ना पड़े, बिकॉज़ ये ऐसा कार्ड है कि इसका कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आता। अल्टीमेटली ये झगड़े में कोई विनर नहीं होता, दोनों जो झगड़े में हैं दोनों हार जाते हैं। ईगो क्लैश है यहाँ पे, बिना कारण झगड़ा चिड़चिड़ हो रही है, तो सावधान रहें। अगर ऐसा कोई है जो आपके ऑफिस में आपको चिढ़ा रहा है, झगड़ा करना चाहता है, झूठ बोल रहा है, तो फिलहाल उनको आप इग्नोर करें। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं तो हम एंजल से पूछते हैं कि वो उनकी तरफ से क्या आंसर या गाइडेंस आता है। आप आपका क्वेश्चन पूछें। इन द नियर फ्यूचर, तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, डिवाइन आपको ये कहती हैं कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसका आंसर आने में थोड़ा टाइम है। फ्यूचर में जो आप चाहते हैं वो होगा लेकिन फिलहाल नहीं होगा। एंजल थेरेपी से एक कार्ड लेते हैं, ये आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है। 10th of June एंजल थेरेपी मैसेज फॉर द जनरल कलेक्टिव। थैंक यू। इंटेग्रिटी का कार्ड है, अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। किसी के बहकावे में आके कुछ गलत ना करें, जो आपको सही लगता है वही करें। इंटेग्रिटी का कार्ड है, अगर आपको कोई कुछ गलत चीज़ करने को उत्साहता है, कुछ टेम्पटेशन देता है, तो आप उनकी बात ना सुने। आपके वैल्यूज़ जो हैं, आपके जो संस्कार हैं, उनको आप ध्यान पे रख के पॉजिटिवली ही आगे जाएं।
ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर द 10th of June. आई होप कि ये सबके साथ रेजोनेट करे. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट. और मैं आपको कल के रीडिंग में मिलूंगी. For all those who are here to read the messages, to hear the messages in English, let's get into that. The overall energy we have is the Two of Swords, which means that there could be, you could be a little fearful of the choices that are in front of you. You are at a crossroad and you are not able to understand what decision or choice to make. This could do, this choice or decision is important for you, and that is why you are afraid of not wanting to make the wrong choices, and that is why you are unable to decide. In love, romance, you have the justice, which means that justice would be served. If in the past you have done good, good will come to you. If in the past things were not done very right, then you will get results which will not be in your favor. This also means that signing of some legal documents, either it could be signing documents resulting to separation or divorce, or maybe signing something like maybe a marriage document, or you know, getting buying a new house together. Basically, this is the card that balances out things according to your karma. So justice is served is what will be for tomorrow. In work, business and career, we have the Five of Swords. This is a card of conflict. This is a card of ego battles. This is a card of lying and cheating. So please, this card kind of, you know, cautions you that if you have some energies in your office which like to, you know, get into unnecessary ego clashes or ego fights, just ignore them, because this is a card where, you know, at the end of it, nobody wins. Somebody could probably walk away taking credit for what you have done. So stand up for your right, but do it in a way where you are not engaging in conflict or ego clashes. If you have a question for which you're looking for an answer, think of the question now and let's see what the angels have to tell you. The answer is in the near future. So whatever you're hoping for, yes, it would happen in the near future, but right now you need to wait and give it some time. The messages from the angel therapy we have is integrity. Align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. So this card basically tells you that if you are put in any situation, please follow your values, your upbringing, do everything with integrity and what's right for you. That's such a lovely message. So that is all I have for the 10th of June. As always, please do keep your energies and vibrations high.